एक कोई एक बड़ा सुंदर होटल था, रेस्टोरेंट था। तो उस रेस्टोरेंट में एक बाहर नोटिस बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, कृपया आप हमारे होटल में आइए, खाना खाइए और यहाँ आपको होटल खा के बिल नहीं देना पड़ेगा, बिल आपके पोते देंगे। आप तो जो खाना खा लीजिए, बिल आपको नहीं देना, बिल आपके पोते देंगे। तो एक आदमी ने सोचा, रे वाह, खूब खाओ और बिल नहीं देना, बिल बाद में पोते चुकाते रहेंगे, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती। पहुंच गया, पहुंच करके उसने आज तो जितना सामान है मेन्यू कार्ड में सब आज ही मंगा डाला। कढ़ाई पनीर, कढ़ाई कोफ्ता और चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन सब मंगा डाला, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम। अब ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, नहीं कथा से थोड़ा ट्रैक चेंज हो जाएगा, फिर कथा नहीं दिखेगी, फिर आंखों के सामने रसगुल्ले घूमेंगे। तो सब मंगा लिया और खूब पेट भर के चकाचक खाया और खा के उठने ही वाला था कि वेटर ने बिल ला के रख दिया। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, बाहर बोर्ड पे तुमने खुद ने लिखा है कि तुम खाओ तो पैसा नहीं देना, तुम्हारे पोते चुकाएंगे और तुम अपनी बात से पलट रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं। वेटर ने कहा, साहब गुस्सा मत करिए, ये बिल आपका नहीं है, ये बिल तो आपके दादाजी का है। कर्मों का भुगतान तो करना पड़ेगा, कोशिश कर सकते हो बचने की पर बच नहीं पाओगे, वो कर्म घूम करके एक दिन आएगा तुम्हारे पास, पोते नहीं तुम ही अपने कर्मों को चुकाओ और दूसरा कोई वो स्थान नहीं ले सकता। इसलिए किस्मत से ज्यादा, भाग्य से ज्यादा कृष्ण नाम में विश्वास रखो।